एंगल भी
एक वेरिएबल लिख रहा करंट एलिमेंट की पोजीशन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होंगे तो ये एंगल चेंज होगा, तो कई वेरिएबल लिख रहा है, मींस लेंथ करंट एलिमेंट तो है, उसकी पोजीशन आर वो भी वेरिएबल है, एंगल एंगुलर पोजीशन आप पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट ये भी वेरिएबल है, ये यहां होगा यहां होगा यहां होगा तो क्या पोजीशन क्या हो जाएगी बदलती रहेगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम सारी वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं और ये वेरिएबल रिलेट करेंगे तभी जाके एक रिलेशन पर पहुंचेंगे। तो मान लिया कि इनको रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके हम एंड्स पर ये लेते हैं, ठीक है इस एंड से इस एंड की पोजीशन हमने मान ली, वैसे इसको बीच से मेजर कर बीच से पोजीशन लिखे चाहे इस किनारे से पोजीशन लिखे है ना, वही पोजीशन मान सकते हैं कि वही है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, ये जो लेंथ है इस सेपरेशन की कंपेरिजन में बहुत छोटी लेंथ है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ठीक है ये पूरा पोजीशन ठीक है। आप चाहे इस पोजीशन को लें, आप इस एंगुलर पोजीशन को लें, चाहे पूरे इस एंगुलर पोजीशन को लें, ये क्या है ये बी थीटा है, ये एंगल डी थीटा और इसको हम आर इसको भी लिख सकते हैं, वही आर है, देखने में फिगर में लग सकता है कि वो दोनों ये वाला आर ये वाला आर डिफरेंट है, लेकिन इसकी लेंथ का डिफरेंट बहुत छोटी होती है, ये सब ये जो सेपरेशंस हैं ये डिस्टेंसेस हैं उनकी कंपैरिजन में लेंथ क्या बहुत छोटी होती है, इसलिए हम उसको बहुत अलग मान के नहीं सकते, दोनों आर वही है। फिर ये एंगल थीटा तो यहां भी बदल जाओ, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा ये एंगल हो, और क्या हो सकता है, तो ये दोनों क्या है, ये आर और आर दोनों एक ही है ठीक है ना, देखिए ये जो लेंथ है करंट एलिमेंट की लेंथ वो बहुत छोटी है, ये ए और इस डिस्टेंस कंपोजिट में आर की कंपोजिट में बहुत छोटी है, तो ये डीएल लेंथ है, ये लेंथ क्या डीएल है, और हमको रिलेट करें कि हमें ये डीएल की ये लेंथ एंगल एंगल में डिफरेंस एंगल वेरिएबल है, आर भी चेंज होगा अगर करंट एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी तो आर भी चेंज होगा, तो ये इसको भी हमें एडजस्ट करना है, तो इसी पर रिलेट कर इसे रिलेट करने के लिए एक काम करते हैं कि ये जो यहां पर सेपरेशन दिख रहा है ये वाली सेपरेशन ये क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आर रेडियस का आर क्या, ओके आर ऑफ रेडियस आर कह सकते हैं, आर ऑफ रेडियस आर मान सकते हैं कि ये आर है, और हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट और ये 90 डिग्री, तो जरा ये ट्रायंगल देखें यहां पर फिगर से, इस फिगर से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर ठीक ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या होगा ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, डीएल लेंथ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लेंथ ये वाली जो लेंथ है उसको बाहर डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ये जो लेंथ है आर्क ऑफ रेडियस ये क्या है आर्क ऑफ
दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आर क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल इनटू रेडियस क्या होगा, आर इनटू डी थीटा। और ये आर डी थीटा और डीएल को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेमी के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहां पर डीएस होगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स और आर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी ए, ऐसा लिख सकते हैं, ये इसकी जगह यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करें, अप्लाई करते हैं बायस वाला, सो कोई भी करंट एलिमेंट हो लेते हैं, ओके, सो फॉर एनी आर्बिट्ररी करंट एलिमेंट कोई करंट एलिमेंट, सो फॉर एनी आर्बिट्ररी करंट एलिमेंट बायो सेवर्ट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैग्नेटिक एलिमेंट यूजिंग बायो सेवर्ट का, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इज डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यार डीएल की पोजिशन ये आर, तो आर स्क्वायर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये साइन लगी हो रही है वहां पर, साइन लगा दिखता है उस रिलेशन में, बायो सेवर्ट लॉ रिलेशन में, तो ये कॉस एंगल होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो और इसके बीच का एंगल होता है अगर देखा जाए तो, वही तो चाहे हम ये एंगल बोले चाहे वो आर डी माइनस ये एंगल बोले, दोनों बातें के लिए ये एंगल कितना है, ये यही है 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो आप इसको 90 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो भी वही बात है, वैल्यू वही आएगी चाहे आप 180 कहिए चाहे इसको वहां पर ऐसे लिखे, तब भी बात वही आएगी। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यहां और कॉस थीटा उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, डीएल की प्लेस में अभी आप यूज कर सकते थे यहां पर यही डीएल को, या तो थीटा बोला है या डीएल बोला है, कोई भी आप वेरिएबल्स यूज करनी है तो कम करना पड़ेगा, तो डीएल की प्लेस में हम लिख सकते हैं, ये देखिए फिगर से क्या होगा, डीएल इक्वल्स यहां देख रहे हैं ये, यहां से क्या लिख सकते हैं, डीएल इक्वल्स आर डी थीटा के डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, और इसी को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी हो सकता है, तो डीएल की प्लेस में आप ये यूज कर सकते हैं, तो एक क्या मिल गया आपको, म्यू नॉट और डी बी इक्वल्स
dp equals mu naught divided by 4 pi I, यहां पर क्या हो जाएगा r d theta cos theta divided by what r square cos theta. So cos theta का मतलब कैंसिल और r भी एक r से यहां पर चला जाएगा, तो आपको मिल क्या गया है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एंड हियर अपॉन आर डी थीटा. अभी भी आर दिख रहा है और थीटा दिख रहा है, ये भी वेरिएबल्स है, थीटा भी वेरिएबल है, इसकी पोजीशन बदलेगी तो क्या होगा, थीटा भी चेंज हो जाएगा और आर भी चेंज हो जाएगा, तो आर और थीटा को रिलेट करना है तभी हमें एक वेरिएबल मिलेगा और तभी हम इसको कंप्लीट वैल्यू का रिजल्टेड वैल्यू पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये वैल्यू कैसे बताओगे, अब देखिए यहाँ जो थीटा का आर को यूज करना है अभी भी, अब यहाँ तो आप आर थीटा से रिलेट तो कर ही रहे डीएल, लेकिन डीएल को आपको डीएल को भी हटाना है, तो चलिए आर थीटा भी सोचे देख रहा था. देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ ए है और ए आर है, ये भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है और ये भी ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स ए डिवाइडेड बाई आर, ये भी है. तो ए डिवाइड आर या वन अपॉन आर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई ए. इससे हमको मिल जाएगा a by r, तो वन अपॉन r cos theta by a लिख सकते हैं यहां पर, तो i from here again from figure again we have 1 upon r, देखिए यहां से 1 upon r r equals cos theta by a. तो अभी इसको हम रिलेट अभी इसको हटा सकते हैं 1 upon r को यहां से, so dp then dp equals mu naught upon 4 pi I d theta or you can write here cos theta upon a. हो गया reduce, हट गया वहां से. देखिए ना तो dl दिख रहा है यहां पर, ना r दिख रहा है, अब केवल थीटा और डी थीटा, एक सिंगल वेरिएबल में रिलेशन आ गया, सारे जो लॉस हैं रूल्स हैं आप पहले से जानते हैं इसके बारे में. तो इन्हीं जगहों पर जैसे हम पहले हम लोग इसीलिए क्या करते हैं मैथमेटिकल, आप मैथमेटिकल टूल्स वगैरह इसलिए पढ़ते हैं ताकि थोड़े बहुत ऑपरेशंस तो आपको हमेशा कैरी करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर इसकी जरूरत है. तो देखिए यहाँ हो गया, अब ये i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, पूरा अपन 4 पाई कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट है, तो पूरा फिर अब यहां पर क्या हो रहा है, इन जगहों पर देखिए ये एक अगर ये वायर एक्सटेंड करता है बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक, ठीक है, अगर ये वायर या एक कंडक्टर बहुत ऊपर से नीचे तक है एक एंड, तो ये अगर फाइनाइट वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये करंट एलिमेंट कहीं से ले सकते, कहीं ले सकते हैं, ये इसकी लिमिट कैसे है वो भी एंगल बदल, वो एंगल कहां से है, वो एंगल देखिए यहां पर दे सकते हैं, ये एंगल यहां पर ये देखिए क्या है फाई वन,
ये देखिए इधर अगर अगर देखा जाए तो अपोजिट एंगल है, तो हम ये भी ले सकते हैं कि नेगेटिव भी अभी भी ले सकते हैं कि माइनस ये क्लॉकवाइज एंटीक्लॉक वाइज एंगल है, इसको हम पॉजिटिव ले लें, इसको क्या करें नेगेटिव ले लें, तो आपका यहाँ काम हो सकता है। तो ये एंगल क्या है अगर देखें तो माइनस फाइव वन, और ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है फाइव टू, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो ये पॉजिटिव है। तो टोटल फील्ड कैसे पता कर सकते हैं? टोटल फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस रिलेशन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, फॉर वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर, और बिटवीन द लिमिट्स ऑफ कंडक्टर, एंगुलर लिमिट्स ऑफ कंडक्टर। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड by integrating dB in the angular limits of कंडक्टर। लिमिट्स ऑफ कंडक्टर, अगर फाइनाइट लेंथ का है तो इसकी लिमिट्स हो, मीन्स यहां से यहां तक आप लीनियर लिमिट ले सकते हैं या एंगुलर लिमिट ले सकते हैं, उधर से क्या है माइनस फाइव से प्लस फाइव तक, तो ये भी कर सकते हैं। इन द फिगर क्या दिया हुआ, एंगुलर लिमिट दिया हुआ, इन द फिगर एंगुलर लिमिट्स क्या दिया हुआ, फाइव टू टू माइनस फाइव वन आर गिवन, फाइव वन टू फाइव, फाइव टू फाइव वन, ये एंगुलर लिमिट दी हुई है। तब क्या बी बी क्या है, तो बी इक्वल्स क्या है डी बी, और इसकी लिमिट्स क्या है आप, ओके, और बी इक्वल्स इंटीग्रेशन डी बी इक्वेशन क्या है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई कॉस थीटा डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ए। और ये कहां से लिमिट ले रहे, कौन सी लिमिट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फाइव टू से माइनस फाइव, ओके, या माइनस फाइव से फाइव टू ले सकते हैं, माइनस फाइव से फाइव, ये तो फिर कॉमन क्या है, ये सभी कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, ये कॉन्स्टेंट है, और यहां देखिए क्या हो जाएगा माइनस फाइव वन से फाइव टू, यानी यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक, इस नंबर पोजिशन से इस नंबर पोजिशन तक पूरा आपको इंटीग्रेट करना है, ये क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रल कॉस थीटा है जानते हैं, साइन थीटा होता है, और वो भी लिमिट्स क्या है, ये फाइव वन टू फाइव टू, ऐसा
तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई और बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए आर। ये जो कॉस थीटा डी थीटा एंड माइनस 5 1 2 5 2 ये और बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए आई अपॉन ए और ये कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा, ये साइन थीटा एंड दिस विल बी साइन 5 2 प्लस या माइनस क्या लिख सकते हैं आप, साइन माइनस 5 1 और तो इसके बाद और b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 2 प्लस साइन 5 1 ये हो ये रिलेशन फाइनाइट वायर। अगर ये फाइनाइट है तो अगर ये फाइनाइट वायर है तो 5 1 5 2 क्या होगा, 90 को टेंड करेंगे। अगर ये फाइनाइट वायर है ठीक इनफाइनाइट लॉन्ग, इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग तब फिर क्या होगा, 5 1 equals 5 2 equals 9। अब यह साइन करने से पहले कर लिया तो अब हम दोबारा तक साइन नहीं रखने जा रहे ना, साइन हमने यूज कर लिया पहले प्लस माइनस, तो अब जो वैल्यू इसने सीधे रखते हैं तो ये 90 हो गया। अब क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by A and sin 90 plus sin 90 मिल जाएगा। और इसके बाद ये 1 1 हो जाएगा, फिर आपको B मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A एंड दिस इज 2 into 2 मीन्स B equals mu naught upon 2 pi I by A। तो ये तो फिर वही आ गया जो एम्पीयर सेंटर लॉ से इनफाइनिटी लॉन्ग वायर के लिए आपने कैलकुलेट किया, इनफाइनिटी लॉन्ग कंडक्टर के लिए कैलकुलेट कंडक्टर के लिए आपने फाइंड आउट किया था, तो वैसा ही तो है। तो ठीक ये लेसन हुआ, ये ऐसा बहुत लोग यूज करते हैं कई क्वेश्चंस में आते हैं। वैसे आपको ये सीबीएसई बोर्ड ने अभी इसको इस डेरिवेशन को अपने करिकुलम में नहीं रखा हुआ है, इसलिए फिलहाल आगे क्या हो या वो तो अलग बात है, लेकिन पहले था या नहीं है तो ये आपके लिए अलग से डेरिवेशन हो गए। हाँ इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं जहाँ मर्जी वहाँ यूज कर सकते हैं, इनफाइनिटी लॉग के लिए यही जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर आपको वापस रिलेशन वहीं आ जाता है जो आपने एम्पीयर सेंट्रल लॉ का यूज करके फाइंड किया था। तो यह हो गया वीडियो, ये इस वीडियो को वहीं रोकते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर हमारे तक अपनी बात पहुँचाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से आप चैनल पर हैं तो वीडियो को शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।